आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है जो कि दोस्तों आपके मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 से लेकर है। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट अभी भी यहाँ पर जो है अपनी कोशिश जारी किए हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर जो है फॉर्म नहीं भर पाए हैं लास्ट डेट के कारण। यहाँ पर लास्ट में 5 दिनों तक यहाँ पर जो है सर्वर डाउन रहा है, जो कि अभी तक की कराई गई सारी भर्तियों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है स्लो सर्वर चला है, जिसके कारण काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है इस भर्ती के अंदर फॉर्म यहाँ पर फिल नहीं कर पाए हैं। इसके लिए दोस्तों कई बार यहाँ पर ESB को यहाँ पर बोला भी गया, लेकिन दोस्तों उनके द्वारा संशोधन की डेट को यहाँ पर जो है बढ़ाकर 18 तारीख की गई और अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये प्रोसेस टोटल बंद कर दी गई है और इनके आसार नहीं दिख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम डेट या आवेदन करने की डेट जो है दोबारा से खोलें। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट तो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। इसी में दोस्तों एक आर्टिकल निकल कर आया जो कि आपको यहाँ पर जानकारी देता है कि आप काफ़ी सारे कैंडिडेट अभी भी यहाँ पर जो है इसके लिए लगे हुए हैं। चलिए उसको बता देते हैं के दिन ये आर्टिकल निकल कर आया, जिसमें दोस्तों कहा गया है कि मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती के लिए आवेदन की तारीख को यहाँ पर बढ़ाने की मांग की गई है, जो कि ESB यहाँ पर जो है परीक्षा चयन मंडल यहाँ पर कैंडिडेट पहुँचे हैं और इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि आवेदन को प्रदेश में दोस्तों बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वंचित रह गए हैं, जिसकी मुख्य वजह है यहाँ पर अंतिम समय में सर्वर यहाँ पर डाउन रहना, जिसके वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट आवेदन बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में यहाँ पर आवेदन पहुँचे हैं। सोमवार की बात है दोस्तों, ये कल की ही यहाँ पर बात है कि सोमवार को यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर जो है पहुँचे हैं, जो कि ESB के सामने यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी अपनी समस्याओं को यहाँ पर बताया है। ऐसे में दोस्तों नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तारीख थी वो जून से 10 जुलाई तक थी, लेकिन स्लो सर्वर के कारण यहाँ पर जो है अभ्यर्थी इससे वंचित रह गए हैं और इसे दोस्तों यहाँ पर जो है प्रशांत राजावत ने बताया कि ESB के अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन दोस्तों कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। अभ्यर्थी ओवर एज होने की स्थिति में है, इसलिए ऑनलाइन आवेदन की लिंक को कुछ दिनों के लिए ओपन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अब इस पर ESB यहाँ पर क्या निर्णय लेता है, क्या यहाँ पर दोबारा से ओपन करता है, ये एक देखने वाली बात होगी। चुनावी समय भी है और साथ ही साथ इन्हें इस भर्तियों को काफ़ी तेज़ी से भी यहाँ पर करना है। ऐसे में दोस्तों देखने लायक बात होगी कि क्या यहाँ पर जो है आपको दोबारा से यहाँ पर लिंक ओपन होती हुई दिखेगी पुलिस भर्ती की। यदि दोस्तों ओपन होती है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।